हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग पहुंच चुके हैं और एक नए हफ्ते में, और इस नए हफ्ते बहुत सारे नए नए वेब सीरीज़ एंड फिल्म्स जो है डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज़ होने वाले हैं। तो ये सारी वेब सीरीज़ किस टाइम पे किस ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज़ होगी, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आ जाए एंड हेल्पफुल लग जाए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, ऐसे न्यूज़ अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं 8 सितंबर को कौन सा कंटेंट रिलीज़ हो रहा है। तो 8 सितंबर को एक हिंदी वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है कैंडी। तो इसमें ऋचा चड्ढा एंड रोनित रॉय जो है मेन लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो ये वेब सीरीज़ वूड सिलेक्ट पर रिलीज़ होने वाली है 12 AM शार्प। जैसे ही 8 सितंबर की तारीख लगेगी वैसे ही ये वेब सीरीज़ रिलीज़ हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 9 सितंबर की तरफ। 9 सितंबर में मोस्ट एंटिसिपेटेड वेब सीरीज़ मुंबई डायरीज 26/11 रिलीज़ हो रही है अमेजोन प्राइम वीडियो पे। तो ये वेब सीरीज़ जो है 26/11 के जो इंसिडेंट जो ताज होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ था उस पे बेस्ड है। एंड ये एक मेडिकल ड्रामा है कि डॉक्टर लोग जो है इतने सारे कैजुअल्टी इतने सारे इमरजेंसी को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये वेब सीरीज़ जो है 12 AM मिडनाइट को यानी कि 9 सितंबर जैसे ही लगेगी उस टाइम रिलीज़ हो सकती है, या फिर 10 बजे जो कि 8 सितंबर के रात को एक दिन पहले या 2 घंटे पहले 12 बजे से 2 घंटे पहले रिलीज़ हो सकती है। देखिए गाइस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अमेज़न प्राइम का कभी कभी पंचुअल हो जाते हैं, कभी बहुत जल्दी अर्ली बर्ड हो जाते हैं, तो इसी की वजह से ही कुछ पता नहीं होता। क्योंकि पिछले बार शेरशाह का ऐसा ही हुआ था, 12 बजे रिलीज़ हुआ था, जबकि सारे के सारे कॉन्टेंट पिछले वाले सारे कॉन्टेंट उससे पिछले वाले कॉन्टेंट जो है 10 बजे रिलीज़ हो गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ जो कि 10 सितंबर की है, जिसका नाम है एक तमिल फिल्म जिसका नाम है डिक्की लोना। तो ये फिल्म जो है Z5 पे रिलीज़ हो जाएगी एंड ये फिल्म जैसे ही 10 तारीख लगेगी 12 AM मिडनाइट को Z5 में रिलीज़ हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फिल्म की तरफ जो कि हिंदी फिल्म है जिसका नाम है क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है। तो इसका ट्रेलर मुझे बहुत ज़्यादा फ़नी लगा था एंड ये फिल्म जो है ये रिलीज़ होने वाली है Z5 में ही 12 AM जैसे ही 10 तारीख लगेगी। तो अब बात करते हैं तेलुगु फिल्म की जो कि जिसका नाम है नेट। इसमें अबिका गौर एक मेन लीड कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, मेन लीड नहीं तो प्रोमिनेंट कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। तो ये फिल्म भी Z5 की ही है एंड ये भी 12 बजे मिडनाइट को जैसे ही 10 सितंबर तारीख लगेगी वैसे ही रिलीज़ हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ जिसका नाम है टक जगदीश। तो ये तेलुगु फिल्म है एंड ये फिल्म जो है अराउंड 10 PM से लेके 11 PM के बीच में यानी कि 9 सितंबर की तारीख को, मतलब 2-3 घंटे पहले ही रात को रिलीज़ हो जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो में। इसमें नानी मेन लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ जो कि 10 सितंबर को ही रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है द वॉयर्स। तो ये एक इंग्लिश फिल्म है और ये भी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो की ही है एंड ये फिल्म भी 12 AM मिडनाइट जैसे ही 10 तारीख लगेगी वैसे ही रिलीज़ हो जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ जो कि है एक वेब सीरीज़, हिंदी वेब सीरीज़ जिसका नाम है पॉटलॉक। तो ये एक फैमिली ड्रामा वेब सीरीज़ होने वाली है। तो ये वेब सीरीज़ जो है सोनी लिव पे रिलीज़ होगी 12 AM मिडनाइट जैसे ही 10 तारीख हो जाएगा 12 AM मिडनाइट को ये स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी। तो सोनी लिव के वैसे भी आपको पता ही है कि सारे के सारे वेब सीरीज़ अच्छे होते हैं, लेकिन मार्केटिंग टीम जो है बहुत स्लो एंड सुस्त होती है, इसीलिए अभी तक मैक्सिमम लोग को तो पता ही नहीं होगा कि पॉटलॉक ऐसे वेब सीरीज़ आ रही है नहीं। तो और हाँ गाइस, जो पूरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ जो कि 11 सितंबर में रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है, ये एक इंग्लिश फिल्म है जिसका नाम है मॉर्टल कॉम्बैट। तो ये फिल्म जो है ऑलरेडी थिएटर्स पर रिलीज़ हो चुकी है 23 अप्रैल को, लेकिन इंडिया में जैसे कि आपको पता है ये सेकेंड वेव ऑफ कोविड चल रहा था तो ये इंडिया में रिलीज़ नहीं हो पाई थी। तो ये फिल्म अभी अमेज़ॉन प्राइम पे 12 AM मिडनाइट जैसे ही 11 सितंबर तारीख को लगेगी वैसे ही अमेज़ॉन प्राइम में रिलीज़ हो जाएगी। तो आप अगर चाहें तो इसे देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ जो कि यहाँ पे 10 सितंबर में रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है लूसीफर Season 6। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉपुलर वेब सीरीज़ है एंड एंटिसिपेटेड वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स का। तो ये वेब सीरीज़ जो है नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो जाएगी 12:30 PM को 10 सितंबर के दोपहर के 12:30 बजे को। तो वेट ज़रूर कीजिएगा एंड
बताइएगा ज़रूर कि आप किस कंटेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एंटिसिपेटेड और एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में। तो बढ़ते हैं आखिरी कंटेंट की तरफ जो कि 11 सितंबर की ही है, जिसका नाम है तुगलक दरबार। तो ये एक तमिल फिल्म है, यहाँ पे विजय सेतुपति एंड राशि खन्ना मेन लीड में है, एंड यह फिल्म भी वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है। तो यह सन टीवी पे 10 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे ये 11 तारीख को रिलीज़ होगी। एंड ये 12:30 PM जैसे कि 12:30 बजे, दोपहर के 12:30 बजे से ये स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी नेटफ्लिक्स पे।